हेलो एंड वेलकम है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज की मूवी जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक एडवेंचर मूवी होने वाली है। मूवी का नाम है डू लाइट। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने ये मूवी देख रखी होगी, काफ़ी बेहतरीन मूवी है। तो चलिए मूवी की शुरुआत होती है और हम थोड़े से एनिमेशन के जरिए इस कहानी को बताया जाता है। वेल, इस कहानी में लीड कैरेक्टर है डू लाइट। डू लाइट एक ऐसा इंसान है जो कि जानवरों से बात कर सकता है। वो जानवरों की सारी बीमारियों को और उनको जो भी तकलीफ है उसे ठीक कर सकता है। वो अपने लाइफ पार्टनर जिसका नाम डॉक्टर लूली के साथ सभी जानवरों को कैद में रखे हुए आज़ाद कर देता है। वो अपने इतने अच्छे काम की वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गया था और इस चीज़ की खबर जब इंग्लैंड की रानी को हो गई और रानी ने खुश होकर डू लाइट को तोहफे में एक महल दिया था जिसमें कि वो सभी जानवरों का इलाज कर सके और उनके साथ आराम से ज़िंदगी बिता सके। अब डॉक्टर और उनकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे कि डू लाइट बिल्कुल टूट जाते हैं। डॉक्टर लूली एक खोज के लिए कहीं जा रही होती है समुंदर के रास्ते में, लेकिन तभी उनका जहाज़ समुंदर की गहराई में समा जाता है और उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर पूरी तरह से टूट जाते हैं और अपने महल का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर लेते हैं। अब वहाँ पर उनसे मिलने के लिए कोई भी नहीं जा सकता था। अब हम रियल वर्ल्ड में आते हैं जहाँ पर हम छोटे से लड़के को देखते हैं जिसका नाम स्टबिन होता है। वो अपने भाई और डैड के साथ जंगल में शिकार कर रहा होता है। उसके डैड एक पंछी को मारने के लिए उसे बोलते हैं, लेकिन वो जानबूझकर निशाना गलत लगा देता है क्योंकि वो उसे मारना नहीं चाहता था। और तभी उसकी गोली से एक छोटी सी गिलहरी को चोट लग जाती है जिससे कि वो घायल हो जाती है। स्टबिन के डैड उसके चाकू देते हैं और कहते हैं कि इसे मार दो, और फिर उसके भाई और डैड वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन स्टबिन उस गिलहरी को नहीं मार पाता क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दिल से कमज़ोर है। काफ़ी देर तक वो उसे देखता रहता है और ये सब एक पेड़ पर बैठा एक तोता देख लेता है जो कि बोल सकता था, जिसका नाम होता है पोली। ये भी मेन कैरेक्टर है मूवी में। और वो स्टबिन से बोलता है कि मेरे पीछे आओ। अब वो उसे लेके डॉक्टर डू लाइट के घर ले जाता है और उस महल का दरवाज़ा को खटखटाने के लिए बोलता है, लेकिन वो दरवाज़ा कोई नहीं खोलता है। इसके बाद पोली उसे एक खुफिया रास्ते से अंदर ले जाती है और स्टबिन जैसे ही अंदर जाता है हर जगह हलचल मच जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं हमारी मूवी के लीड एक्टर जो कि है आयरन मैन, जिनको कि आपने एवेंजर्स मूवी में देखा होगा। यहाँ पर ये दूसरे किरदार में आपको नज़र आते हैं और इनका नाम होता है जॉन डू लाइट। वो एक बड़े से गोरिल्ला के साथ चेस खेल रहे होते हैं और उस गोरिल्ला का नाम होता है चीची। यहाँ पर वो चेस का बोर्ड भी काफ़ी मज़ेदार होता है क्योंकि यहाँ पर उसमें क्वीन और किंग की जगह छोटे छोटे चूहे होते हैं। और इसके बाद हम स्टबिन को देखते हैं जो कि जाल में फंस चुका है। उसके पास एक छोटी सी लड़की आती है जिसका नाम होता है लेडी रोज़। वो स्टबिन को नीचे उतारती है और इसके साथ डॉक्टर डू लाइट के घर तक जाती है। अब लेडी रोज़ जैसे ही डू लाइट के घर के अंदर जाती है वो शौक हो जाती है वहाँ की चीज़ों को देख के। वहाँ पर सभी चीज़ों को जानवर संभाल रहे थे और सारे काम जानवर कर रहे थे। रोज़ अब डू लाइट को ढूंढती है जो कि उसे एक टेबल के नीचे छुपे हुए मिलते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उनसे आके मिले। अब रोज़ डू लाइट से बोलती है कि मैं बकिंघम पैलेस से आई हूँ और महारानी ने आपको पैलेस में बुलाया है। उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और इन दोनों के बीच में बात हो ही रही होती है कि वहाँ पर स्टबन भी पहुँच जाता है खिड़की के रास्ते। इन डू लाइट को वही गिलहरी देता है जो कि ज़ख्मी होती है और स्टबन बताता है कि मैंने इसे गलती से गोली मार दी थी। तो डू लाइट थोड़ी देर सोचता है और इसके बाद सारे जानवर और डू लाइट उस गिलहरी को बचाने में लग जाते हैं। वो सारे जिस तरह से उस गिलहरी को बचाते हैं ये देखने में काफ़ी मज़ेदार सीन होता है। ऐसा लग रहा था कि वो किसी रियल आदमी का ऑपरेशन कर रहे हैं। और अब सारे जानवर मिलके डू लाइट का हुलिया ठीक करते हैं क्योंकि उसे बकिंघम पैलेस में जाना है। और जब डॉक्टर वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर महारानी के देखभाल के लिए लोग इन लोगों को देख के काफ़ी ज़्यादा नाखुश होते हैं। और उनमें से एक आदमी होता है जिसका नाम होता है ब्लेयर, और वो महारानी का खास होता है। वो डू लाइट से काफ़ी जलता था और डू लाइट अपने डॉग जिसका नाम जिम होता है उसे बोलता है कि महारानी को स्मेल करके बताए कि उसे क्या बीमारी हुई है। और इसके बाद डॉक्टर अपना सर वहाँ पर रखा हुआ एक्वेरियम के अंदर घुसा देता है और एक ऑक्टोपस से बात करना चालू कर देता है। वो उसे पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, जिस पर ऑक्टोपस उसे बताता है कि महारानी की जान खतरे में है, उनको जहर दिया गया है। बाद डॉक्टर अपने कुत्ते को जिसका नाम जिम होता है उसे एक बोटानिकल बुक दिखाता है जिसमें काफ़ी सारे जहरीले प्लांट की तस्वीरें होती है, जिसे देखने पर वो पहचान जाता है कि उसे कौन सा जहर दिया गया है। अब वो वहाँ के राजा से बोलता है कि इस महीने की 17 तारीख को सूर्य ग्रहण है, अगर हमने उससे पहले रानी को नहीं बचाया तो उनकी मौत हो जाएगी। अब डॉक्टर उस जहर के इलाज को खोजने के लिए वहाँ से निकल जाता है और वह स्टबिन से बोलता है कि तुम घर चले जाओ, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। ये सुन के स्टबिन काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है क्योंकि वो भी डॉक्टर के साथ जाना चाहता था।
लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है, इसलिए वो घर लौट जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद स्टबिन अपने घर पर लेटा होता है और वहाँ पर पोली और इसके साथ एक जिराफ आ जाते हैं और उसके साथ उसे ले जाने लगते हैं। ये लोग किसी तरह से उनसे पीछा छुड़ा लेते हैं और नदी के किनारे पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि सभी लोग समुद्री जहाज़ पर जहर का इलाज खोजने के लिए जा रहे हैं और उनका जहाज़ यहाँ से निकल चुका है। पोली चाहती थी कि स्टबिन भी डॉक्टर के साथ जाए, इसलिए वो जिराफ से बोलती है कि और तेज़ भागो, जिससे वो एक ब्रिज तक पहुंच जाते हैं और इस तरह से फाइनली स्टबिन उस जहाज़ पे चढ़ जाता है और डॉक्टर उसे ले जाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और इसके बाद हम बकिंघम पैलेस में ब्लेयर और वहाँ के राजा को बात करते हुए देखते हैं। राजा ब्लेयर से बोलते हैं कि मैं एक जहाज़ भेज रहा हूँ ब्रिटेन नाम का, जो कि डोलाइट पर नज़र रखेगा और तुम्हें भी अपने जासूस के साथ उसमें उसी जहाज़ पर जाना चाहिए, ताकि तुम डॉक्टर को यहाँ आने से रोक सको और रानी की मौत आसानी से हो सके, जिसके बाद मैं राजा बन सकूँ। तो एक्चुअल में दोस्तों ये जो जहर दिया था वो राजा ने दिया था, ताकि वो रानी के मरने के बाद इस पूरे इंग्लैंड का राजा बन सके। अब इसके बाद डोलाइट का जहाज़ देखते हैं और रात का समय हो चुका है, यहाँ पर सारे जानवर सो जाते हैं लेकिन डॉक्टर अकेले जहाज़ पे खड़ा रहता है। वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है और अपनी वाइफ लूली को काफ़ी मिस करता है और उसके ख्यालों में खो जाता है। अब सुबह हो चुकी है और स्टबिन जहाज़ के काम कर रहा होता है, लेकिन तभी वो ज़ोर ज़ोर से खतरा खतरा चिल्लाने लगता है और जब सब लोग उस तरफ देखते हैं तो वहाँ पर एक जहाज़ होता है जो कि राजा ने ब्लेयर के साथ डोलाइट को रोकने के लिए भेजा था। ये देखकर सभी लोग चौंकना हो जाते हैं और हथियार को शुरू करने की तैयारी में लग जाते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ ब्लेयर भी अपने जहाज़ की सारी तोपें डोलाइट के जहाज़ की तरफ कर देता है। इसके बाद डोलाइट एक चाल चलता है, वो एक जाल को पानी में फेंकता है और बाद में एक रस्सी के सहारे स्विमिंग सूट पहनकर खुद पानी में कूद जाता है। आता है वो व्हेल मछली के अंदर वही रस्सी बांध देता है, जिससे कि व्हेल मछली के साथ उसके जहाज़ की रफ्तार और ज़्यादा बढ़ जाए और वो दुश्मनों से आसानी से बच के यहाँ से निकल जाए। और उसकी ये चाल भी कामयाब हो जाती है, वो लोग अपने जहाज़ को बहुत तेज़ी से भगाने लगते हैं, जिससे कि उनके दुश्मन उनका पीछा नहीं कर पाते। और स्टबिन डॉक्टर से पूछता है कि हमें वो जहर का तूड़ कहाँ पर मिलेगा, तो डॉक्टर बोलते हैं कि वो एक ईडन ट्री के पेड़ पर मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर ईडन ट्री मतलब ईडन गार्डन की बात हो रही है, जहाँ पर ईव और एडम रहा करते थे। स्टबिन बोलता है कि वहां तक पहुंचने का रास्ता कैसे पता चलेगा और हमें उस पेड़ तक कैसे पहुंच पाएंगे। डॉक्टर उसका जवाब देते हैं कि उस पेड़ तक पहुंचने के लिए आज तक कोई भी नक्शा नहीं बनाया गया। डॉक्टर उसको एक राज बताते हैं कि उनकी वाइफ जो कि डॉक्टर लूली है, वो इस दुनिया की महान खोजकर्ता थी और उन्होंने एक बुक में इस पेड़ का रास्ता बताया था, लेकिन अफसोस उनका जहाज डूब गया। लेकिन उस जहाज पे कुछ बचा रह गया, तो वो थी सिर्फ एक किताब जो कि एक शहर के राजा के पास है। और अब हम सारे लोग उसी शहर की तरफ जा रहे हैं जिस शहर का नाम है मॉन्टी वर्डे, और हमें वहां जाकर उस किताब को चुराना है जिसमें कि ईडन ट्री का रास्ता लिखा हुआ है। दीवारों पर डॉक्टर की फोटोज होती है और उस पर लिखा होता है वांटेड, मतलब कि यहाँ के लोगों को डॉक्टर की तलाश है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डॉक्टर ने वहाँ के राजा रसूली की बेटी को भगा लिया था और उनकी बेटी वही होती है जो कि डॉक्टर की वाइफ होती है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर लूली ही राजा रसूली की बेटी होती है। इसके बाद ये दोनों महल के अंदर घुसते हैं जहाँ पर वो किताब रखी होती है, लेकिन इनकी किस्मत ख़राब होती है, वो किताब उस राजा के कमरे में होती है जहाँ पर घुसना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन डोलाइट अपनी जानवरों से बात करने वाली कला की वजह से वहाँ पर कुछ चींटियों से बात करके सारा जुगाड़ निकाल लेता है, जिसके बाद वो चींटियाँ उसे एक कमरे के खुफिया दरवाजे का ताला खोल देती हैं, जिससे कि डोलाइट स्टबिन को अंदर जाने के लिए बोलता है और वो बड़ी मुश्किलों से अंदर पहुंच जाता है और वहां पर स्टबिन को वो किताब मिल जाती है फाइनली। लेकिन उसके पीछे रसूली अपने दो शेरों के साथ खड़ा होता है। और वहीं दूसरी तरफ खुफिया कमरे के गेट के बाहर डॉक्टर को भी सैनिक पकड़ लेते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। अब डॉक्टर स्टबिन को एक जेल में बंद कर दिया गया है और वहाँ पर रसूली आता है जो कि डॉक्टर से बोलता है कि तुमने मुझे काफ़ी तकलीफ़ दी है, तुमने मेरी बेटी को मुझसे दूर कर दिया है जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। अब यहाँ पर रसूली स्टबिन को बोलता है कि आओ तुम मेरे साथ आओ, और तभी हम देखते हैं कि उस जेल के दरवाजे में से एक काफ़ी बड़ा शेर निकलता है जिसका नाम होता है बेरी। अब वो शेर डॉक्टर से बोलता है कि तुमने रसूली की बेटी को भगाने के चक्कर में मेरा इलाज अधूरा छोड़ दिया, जिससे कि मुझे मेरी माँ हर रोज़ बुरा भला सुनाती थी। और ये सब बोल के शेर उसे खाने की कोशिश करने लगता, लेकिन तभी वहाँ पर चींची आ जाता है और शेर के बीच में लड़ाई होना चालू हो जाती है, जिससे कि लास्ट में चींची शेर का गला घोट के उसे बेहोश कर देता है। और इधर हम देखते हैं कि स्टबिन बड़ी चालाकी से दोबारा उस किताब को चुरा लेता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वो समुंदर के किनारे पहुँचता है, लेकिन वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो ब्लेयर के जहाज़ को देखता है जिसने कि डॉक्टर के साथ सभी लोगों को बंदी बना लिया है। तो यहाँ पर ब्लेयर उससे वो किताब छीन लेता है और निकल जाता है। जाते जाते वो डॉक्टर के जहाज़ को भी पूरी तरह से तबाह कर देता है, जिससे कि वो उसका पीछा ना कर पाए। अब ये सब देखकर ये सारे लोग बहुत ही ज़्यादा हताश और निराश हो जाते हैं और वहीं बैठकर सोचने लगते हैं
और डॉक्टर लूली को याद करने लगता है। वो बोलता है कि काश मैंने लूली को जाने नहीं दिया होता तो वो आज ज़िंदा होती, मैं उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। और ये सारी बातें रसूली एक दीवार के पीछे से सुन लेता है और फिर वो अपने सैनिकों के साथ वहाँ पर आ जाता है। वो डॉक्टर को बोलता है कि तुमने सिर्फ मेरी बेटी को नहीं भगाया बल्कि उसकी लिखी हुई किताब भी चुरा ली। मैं चाहूँ तो तुम्हें यहीं मार सकता हूँ लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरी बेटी तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, तुम्हें हमेशा आगे बढ़ते हुए देखना चाहती थी। अब ये बोलने के बाद रसूली उससे बोलता है कि जाओ यहाँ से निकल जाओ, और अपने वो एक जहाज़ को इनको दे देता है ताकि ये लोग यहाँ से सही सलामत निकल सके। अब वो लोग इस जहाज़ के ज़रिए उस टापू की तरफ जाने को तैयार होते हैं लेकिन उनको वो रास्ता पता नहीं है क्योंकि वो किताब अब चोरी हो चुकी है। लेकिन तभी डॉक्टर अपना जादू चलाता है, वो समुंदर की व्हेल मछली को ब्लेयर के जहाज़ का पीछा करने के लिए बोलता है और वो कार इसके बाद वो व्हेल मछली ब्लेयर के जहाज़ को ढूंढ लेती है। वो फिर डॉक्टर को आके बताती है और इसके बाद वो लोग इसका पीछा करना चालू कर देते हैं। वो आखिरकार उस आइलैंड तक पहुँच जाते हैं लेकिन उनसे पहले वहाँ पर ब्लेयर भी पहुँच चुका था और उसके सैनिक वहाँ पर पहुँच चुके थे। और यहाँ पर डॉक्टर और उसके लोग काफ़ी मुश्किलों से उस गुफा के अंदर पहुँचते हैं जहाँ पर वो ईडन ट्री होता है। लेकिन तभी वहाँ पर इस स्टबिन की एक चूक की वजह से ब्लेयर के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और उसे बंधक बना लेते हैं। और अब डॉक्टर को उसके साथियों को ब्लेयर पकड़ लेता है लेकिन तभी वहाँ पर कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं और तेज़ से हवाएं चलने लगती है। ब्लेयर बोलता है कि अब यहाँ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है लगता है। और तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन जाग जाता है जिसे कि उस पेड़ की रखवाली के लिए रखा गया था। और वो ड्रैगन अपने मुंह से आग उगलता था जिससे ब्लेयर के सारे सैनिक एक एक करके मारे जाते हैं और उसे भागते भागते ब्लेयर भी एक खाई में गिर जाता है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। और तभी वो ड्रैगन डॉक्टर को पकड़ लेता है और डॉक्टर अपनी जो कला है, अपनी जानवरों से बात करने वाली कला है, उसका यूज़ करके ड्रैगन को बहला फुसला लेता है जिससे कि वो उसे छोड़ देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ड्रैगन के पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही है तो डॉक्टर उसकी मदद करता है। अब ये लोग ड्रैगन से उस ईडन पेड़ के पास जाने के लिए बोलते हैं जिसके बाद वो उन्हें एक झरने के पास ले जाता है और अपने पंखों से उस पानी को हटाता है जिसके पीछे एक काफ़ी बड़ा पेड़ होता है जो कि ईडन ट्री होता है। और यहाँ पर फाइनली ये लोग को ईडन ट्री मिल जाता है और पोली उस पेड़ का फूल तोड़ लेती है। बेसिकली दोस्तों ये फूल होता क्या है, इसमें एक अमृत बोल सकते हैं, ये बीमार लोगों को ज़िंदा कर सकता है या फिर मरे हुए लोगों को भी ज़िंदा कर सकता है, इसमें ऐसी ताकत होती है ये फूल में। तो फाइनली ये लोग को फूल मिल जाता है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब इसके बाद हम बकिंघम पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर महारानी के मुंह में वो फल रखते हैं जिससे कि वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। और डॉक्टर वहाँ पे अपना एक कीड़ा छोड़ के गए थे जो कि इनकी सारी बातें सुन रहा था। और वो कीड़ा डॉक्टर को बताता है कि रानी को जहर देने वाला कोई और नहीं बल्कि राजा है। और जब ये बात रानी को पता चलती है तो वो राजा को कैद खाने में डलवा देती है और फिर महारानी डॉक्टर का शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद डॉक्टर वहाँ से सबको लेके चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डोलाइट ने पहले की तरह फिर से अपनी जो महल है उसको खोल दिया है और सभी का स्वागत करने के लिए तैयार है। और अब उसके साथ स्टबिन भी काम करने लगा है और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। वेल ये काफ़ी बेहतरीन एडवेंचर मूवी थी। तो आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।